मैं आपका पूरा नाम जान सकती हूँ मैम? सोनिया चौहान। आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में? वेस्ट पटेल नगर। कितने साल का है आपका बच्चा? 5+। क्या देख रहे थे मैम आप अपने बच्चे के लिए? अभी तो हमने जब स्कूल के लिए देखा तो स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज हो जिसमें वो सब में पार्टिसिपेट करे और अपना मतलब कि अच्छे से ग्रोथ हो उसकी। इसके लिए कौन कौन से स्कूल्स आपने कंसीडर किए अपने बच्चे के लिए? सलवान, सेंट माइकल और फेथ एकेडमी। इसके अलावा कोई और स्कूल्स इनके अलावा जो आपने कंसीडर किए? कौन सा स्कूल आपने फाइनली चूज किया और क्यों? फेथ एकेडमी, नियर था, एक्टिविटीज अच्छी थी, एजुकेशन वाइज अच्छा था। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका फेथ एकेडमी स्कूल के साथ? अच्छा है अभी तक तो। कुछ ऐसी दो बातें फेथ एकेडमी स्कूल के बारे में जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? इन्होंने बच्चे में एक तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से इम्प्रूव करा है और बाकी हर जो भी कल्चर प्रोग्राम्स हैं या स्पोर्ट्स में उसको पूरा मतलब कि उसने पार्टिसिपेट करा है और उसने प्राइजेस वगैरह भी उसमें लिए हैं तो अच्छा वो मतलब कि दोनों ही और एजुकेशन वाइज भी सब तरफ से मतलब कि वो पूरा ध्यान दे रहे हैं कि भाई एजुकेशन में भी वो फर्स्ट आया, स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आया, कल्चर प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो एक तरह से पूरा सेटिस्फेक्शन है कि हाँ सब तरफ से उसका ग्रोथ हो रही है। फेथ एकेडमी स्कूल के साथ कुछ ऐसा जो इम्प्रूव होना चाहिए आपके हिसाब से? अभी तो ऐसा इतने पीरियड में ऐसा कुछ नहीं है कि लगा कि जैसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। आप दूसरे पेरेंट्स को फेथ एकेडमी स्कूल को रिकमेंड करना कितना पसंद करेंगे 1 to 5 के स्केल में? 1 का मतलब आप बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे, 5 का मतलब आप पूरे तरीके से रिकमेंड करेंगे। 5। थैंक यू सो मच मैम।